नमस्कार प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 28, साइंस क्लास 8, इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल में रिप्रोडक्शन के बारे में बात होगी। तो वी नो दैट पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड इन, देखिए टू पेरेंट्स की जरूरत होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनिमल के अंदर, ठीक है। तो ह्यूमन बींग में भी ऐसा ही है, मेल और फीमेल डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, है ना, स्त्री और पुरुष में, मेल और फीमेल में जो रिप्रोडक्शन के सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो डिफरेंट होता है। तो आज हम फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, पिछली बार हम मेल का पढ़ चुके हैं। तो टुडे वी हैव, वी विल नो अबाउट ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डायग्राम में आप देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस तरह का होता है, जिसमें कि आप ये देख रहे हैं ये ओवरी होती है, दो ओवरी है, ये ओविडक्ट है, फेलोपियन ट्यूब, जहां से एग जाता है यूटेरस तक, यूटेरस यानी कि गर्भाशय, जहां पे बच्चा धीरे धीरे डेवलप होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेनली तीन पार्ट हैं, अ पेयर ऑफ ओवरीज, यानी ओवरीज का पेयर, वन एंड टू, तो जोड़ा हो गया ना, टू ओविडक्ट, यानी दो ओविडक्ट भी है, यानी फेलोपियन ट्यूब भी दो है, एक यहां से एक यहां से, वन टू, दो ओविडक्ट है जिनको फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, जहां से एग जो है जब फर्टिलाइज होता है तो वो एग यहाँ पर यूटेरस में आता है, फर्टिलाइज एग जो है, और ये है ओल्ड यूटेरस, वन यूटेरस। फंक्शंस क्या है इनके, चलिए पढ़ते हैं। देखिए इस तरह का होता है ओवरी, इट प्रोड्यूसेस अ फीमेल गैमेट, जो ओवरी है वो फीमेल गैमेट, जिसको कि हम ओवा या एग भी बोलते हैं, उसको प्रोड्यूस करती है ओवरी। ये एग इस तरह का आपने हमें शेप डायग्राम है, एग सेल, ओवम जिसे कहते हैं, उसमें ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो इसको प्रोड्यूस कौन करता है, ओवरी करती है, और एग एक सिंगल सेल लाइक स्पर्म है, जैसे स्पर्म होते हैं ना वैसे ये भी सिंगल सेल होता है, एक सेल वाला है। इन फीमेल्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू ओविडक्ट, ठीक है, एक मैच्योर्ड एग जो है ओविडक्ट में जाता है, यानी फेलोपियन ट्यूब से जाता है, बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ, हर महीने दोनों ओवरीज में से किसी एक ओवरी में कहा जाता है, फेलोपियन ट्यूब तक जाता है। इट एक्ट्स एज, देखिए अब ओविडक्ट क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब, ट्यूब की तरह होती है, इसको फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, और एक पैसेज, एक रास्ते के रूप में काम करती है। देखिए इस तरह सा है, ये दिख रहा नहीं है, ये ओवरी है, ये एग है, ये फर्टिलाइज अगर हुआ है तो ये सीधे वहां यूटेरस तक जाएगा। तो ये हर महीने एक एग जो है ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब में जाता है, और एक पैसेज है फॉर एग टू रीच यूटेरस, एग के लिए यूटेरस तक पहुंचने का रास्ता को ओविडक्ट कहते हैं। हियर द फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड एग टेक प्लेस, जहां पर फर्टिलाइजेशन जो है ना स्पर्म और एग का, वो कहां होता है, यही होता है ओविडक्ट में ही होता है, यानी यहां पर होता है इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर। इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी इसको फर्टिलाइजेशन का साइट भी बोल सकते हैं, जगह जहां पर फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल एग और स्पर्म मिलते हैं, एग और स्पर्म, जो स्पर्म था इस तरह से था ना, मिलते हैं, जायगोट बनता है। तो यूटेरस, इट इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो, जो एम्ब्रो बन गया है वो धीरे 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 यहाँ पर यूटेरस में डेवलप होता है, नया इंडिविजुअल यानी नई संतान पैदा होती है। तो चलिए क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। ड्रॉ और लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम बनाना है, तो आप क्वेश्चन नंबर वन में ये वाला डायग्राम बना देंगे, और लेबल जरूर करना, लेबल मतलब कि आपको लिखना जरूर है कि कौन सा क्या चीज है, ओविडक्ट, ओवरी, यूटेरस। तो पहला हो गया नेम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम बताने हैं, तो वो है तीन है, ओवरी, ओविडक्ट एंड यूटेरस। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया है। थर्ड क्या है, व्हाट वी कॉल फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं और ये कहाँ प्रोड्यूस होता है। तो फीमेल गैमेट को हम ओवा या एग भी बोलते हैं, और ये ओवरी में, ठीक है, प्रोड्यूस होता है, ओवरी में प्रोड्यूस होता है, ध्यान देखना है। इन विच पार्ट फीमेल, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डज इन्फेंट डेवलप, तो कौन से पार्ट में, फीमेल के कौन से रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्फेंट का डेवलपमेंट यानी विकास होता है, तो वो है यूटेरस, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एक क्वेश्चन है, कमेंट में आप बताइएगा जरूर, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ये क्वेश्चन आप अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आप जरूर बता देंगे, वैसे भी आप तेज बच्चे हैं। क्वेश्चन फाइव, टिक ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स के बताना है, लिखना है या फिर सही गलत का निशान लगाइए।
In female, single matured egg is released in oviduct by one of the ovaries. किसी भी एक ओवरी के द्वारा हर महीने एक matured egg को release किया था. True or false? This is true. Egg is not a single cell. Single cell नहीं होता क्या? देखिए यहाँ पे साफ तो लिखा हुआ egg जो है single cell है. जैसे कि sperm होता है. तो ये false है. Human egg is very big in size. क्या ह्यूमन का एग बहुत बड़ा होता है साइज में? तो देखिए यहाँ पे आप बताइए कि साइज में बड़ा होता है कि बहुत बड़ा कहाँ होता है? छोटा सा होता है. एक 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 सेल सिंगल सेल है तो वो कहाँ बड़ा होगा? तो ये भी फॉल्स है. ठीक है. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में ज्यादा ज्यादा शेयर करें. टेक केयर. बाय बाय. फिर मिलते हैं.